आज आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, और वो आर्टिकल्स जो हमारे लिए डेली यूज होता है, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें आर्टिकल्स के यूज करते हैं। आर्टिकल्स को आज हम उर्दू से जोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि उर्दू से किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस को, अंग्रेजी वर्ड को समझना कितना आसान होता है। हम आर्टिकल्स को जानते हैं कि आर्टिकल्स होता है ए एंड द, यानी एक। आर्टिकल्स के लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि वो काउंटेबल नाउन हो, जिसको गिना जा सके। काउंटेबल नाउन होना चाहिए सबसे पहले, ये जरूरी है। अकाउंटेबल नाउन होगा तभी वो सिंगुलर होगा। तो इन दो बातों का ख्याल रखना है, तब हम किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा सकते हैं। जैसे दिस इज मैन, यहाँ पर आर्टिकल लगाना है तो ये देखना है सिंगुलर है, गिन सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अ, दिस इज अ मैन। अब यहीं पर अगर हम लिख देंगे दीज आर ब्लैंक, यहाँ पर मेन अगर कहीं कर देंगे तो ये प्लूरल हो गया, जबकि ये शर्त है कि आर्टिकल सिंगुलर के लिए होता है। ए एन स्पेशली, तब पर हम अभी बात नहीं करेंगे ए एन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्लूरल है, प्लूरल के पहले कोई आर्टिकल्स ए एन के रूप में नहीं लगेगा। लेकिन जैसे कि हमने ऊपर देखा एन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, वोवेल्स के पहले। वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। अब एग्जांपल में हम देख रहे हैं एप्पल, एप्पल, एप्पल के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ये वर्ड, ये लेटर वोवेल है। ऑक्स के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ये वोवेल है। उसी तरह ऑरेंज के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ओ वोवेल है। अब यहाँ पर आते हैं हॉर्स के पहले क्या लगेगा, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले आ लगेगा। बुक के पहले क्या लगेगा, ये बी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आ लगेगा। अब तीसरा स्टेप यहाँ पर हम देखते हैं हॉर्सेस के पहले, हॉर्सेस के पहले क्या लगेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है सिंगुलर में लगाना है, सिंगुलर में ही लगाया जा सकता है, प्लूरल में नहीं, तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। इसी तरह बुक्स में भी नहीं लगाएंगे। अगर वाटर लिख दें तो वाटर के पहले भी, क्योंकि वाटर काउंटेबल नाउन नहीं होता है, इसलिए इसमें भी नहीं लगेगा। लेकिन जहां पर हम जाना चाहते हैं वो ये है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा। इसी तरह आवर, आवर के पहले क्या लगेगा, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। एस पी, एस पी के पहले क्या लगेगा। अब यहाँ पर देखना है कि यू है, यू वोवेल नहीं होता है। यू क्या होता है, यू कॉन्सोनेंट नहीं होता है, यू वोवेल होता है। तो वोवेल के पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या यहाँ पर हम एन लगा सकते हैं। एच कॉन्सोनेंट होता है, एच कॉन्सोनेंट है, एच वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या इसके पहले हम और लगा सकते हैं, एच तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या हम और लगा सकते हैं। इसका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। वोवेल्स जो अंग्रेजी में होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू, लेकिन हिंदी में हम अगर कहीं जाएं तो यही वोवेल्स जो होता है अ आ ई ई ऊ से आ तक। अब यहाँ पर देखें कि वो साउंड जो हिंदी के अ से लेकर आह तक आता हो, अगर वो साउंड है तो यही असल वोवेल है। तो ये यूनिवर्सिटी हम लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनी वर्सिटी। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में और नहीं आता है, और नहीं आता, य आता है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगा, एन नहीं लगाकर ए लगाएंगे। आवर में एच साइलेंट है, आवर होता है, आवर, यहाँ हावर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ एच साइलेंट है,
अ का है, और यहाँ जैसे कहा गया अ आ ई ई जो साउंड होता है वो वोवेल होता है, तो यहाँ पर एन लगाएंगे और एस पी लिखेंगे तो एस पी ऐसे लिखना पड़ेगा एस, तो यहाँ देखा ए आता है, ए यहाँ पर भी आता है ई अ आ ई ई उ उ ए ए, तो ये हिंदी में आ जाता है, इसलिए इसमें भी क्या लगा देंगे एन। लेकिन जहाँ पर जाना है वो ये बता दें कि वो वर्ड जो काउंटेबल नाउन में हो और सिंगुलर हो, जिसको गिना जा सके, और जो अकेला हो, जिसको गिना जा सके वो अकेला हो, अगर उसको उर्दू में हम अलिफ से लिखते हैं तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, इसको याद रखना है। यूनिवर्सिटी अलिफ से नहीं लिखते हैं इसलिए एन का इस्तेमाल नहीं है, आवर अलिफ से लिखते हैं आवर इसलिए इस पर एन का इस्तेमाल है, एसपी अलिफ से लिखते हैं इसलिए एन का इस्तेमाल है, हॉर्स अलिफ से नहीं लिखेंगे इसलिए ए का इस्तेमाल है। वो सभी लेट सभी वर्ड्स जो अलिफ से लिखे जाएंगे, वो सभी वर्ड्स जो अलिफ से लिखे जाएंगे और एक होंगे जिसको गिना जा सकेगा, वो सभी एन के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। एग्जाम्पल, बुक अलिफ से नहीं लिखा गया इसलिए ये ए रहा, इसी तरह यहाँ पर एक्स कुल्हाड़ी ए से लिखा गया यानी अलिफ से लिखा गया तो ये एन हो गया, इसी तरह एमपी एमपी एम तो कॉन्सोनेंट है लेकिन एम भी लिखेंगे तो अलिफ से लिखेंगे, इसलिए जो अलिफ से लिखा जाता है उसमें एन का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी एन का इस्तेमाल होगा। द का वीडियो, दी का वीडियो कल बताया जाएगा, लेकिन आज के लिए यही जान लेना है कि उर्दू के ज़रिए हम अंग्रेज़ी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो चीज़ वो वर्ड्स जो अलिफ से लिखे जाते हों, काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो, उसमें एन का इस्तेमाल करना है, अलिफ और एन। अब देख सकते हैं अलिफ और एन जो जो वर्ड सिंगुलर हो, अकेला हो, जिसको गिन सकते हो, अगर वो अलिफ से लिखा गया हो तो उसमें एन का इस्तेमाल करना है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई।